हेलो दोस्तों, मैं फिल्मी गर्ल हाजिर हूं आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो भाई साहब, एनिमल मूवी के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को लेकर मेकर्स ने इतनी बड़ी अपडेट दी है ना कि सुनने के बाद ना लिटरली आप पागल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि एनिमल मूवी का सेकेंड पार्ट आने वाला है, जो कि मूवी के लास्ट में हमें ये दिखाया भी गया था कि एनिमल पार्क होने वाला है, यानी कि सेकेंड पार्ट उसका नाम होगा। लेकिन अब संदीप रेड्डी मांगा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज कंफर्म कर दिया है कि एनिमल मूवी का थर्ड पार्ट भी आएगा। और तो और उसकी स्टोरी को लेकर इतनी बड़ी अपडेट उन्होंने दी है ना कि लिटरली आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये बताया है कि एनिमल मूवी का जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें रणबीर कपूर के जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर दिखेंगे जो जानवरों की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे कि हमने एनिमल में देखा कि रणबीर कपूर कैसे खूंखार जानवर बने रहते हैं, जल्लाद बने रहते हैं, मारते काटते हैं और बॉबी देओल का गला काटते हैं। ये वाला सीन तो आपने देखा ही होगा लास्ट में, कितना मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो सेकंड पार्ट में भी इससे भी ज्यादा सीन हमें दिखाया जाएगा, यानी कि और भी ज्यादा उसमें जानवरों की तरह व्यवहार किया जाएगा। वहीं अगर थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों, थर्ड पार्ट को लेकर उन्होंने जो खुलासा किया है ना, उसे सुनने के बाद आप काफी खुश होने वाले हैं। थर्ड पार्ट को लेकर संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया है कि थर्ड पार्ट में हमें महाभारत से जुड़ी काफी चीजें देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि महाभारत में क्या हुआ था। भाइयों के बीच लड़ाई दिखाई गई थी, द्रौपदी की वजह से वहां पर महाभारत हुआ। जगह जमीन के लिए, जायदाद के लिए, गद्दी के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो भाइयों के बीच में लड़ाई दिखाई गई। तो बस सेम चीज वही हमें एनिमल पार्ट 3 में देखने को मिलेगी, यानी कि भाइयों के बीच लड़ाई दिखाई जाएगी, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसों के लिए और एक दूसरे की जान लेने के लिए भी वो तैयार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि वहाँ पर जितने भी एक्टर रहेंगे वो सब खूंखार रहेंगे, मतलब निर्दयी रहेंगे। कोई किसी के ऊपर रहम नहीं खाएगा, दिल करेगा तो काट देंगे और दिल करेगा तो उनको कुछ भी कर देंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हमें थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगी। मतलब थर्ड पार्ट जो है वो महाभारत से रिलेटेड रहेगा, स्टोरी काफ़ी मिलती जुलती रहेगी। फिलहाल तो अगर ऐसा होता है तो थर्ड पार्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और शायद सुनने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि थर्ड पार्ट में महाभारत से रिलेटेड हमें चीज़ें दिखाई जाएंगी, भाइयों के बीच लड़ाई दिखाई जाएगी, वैसे ही महाभारत दिखाई जाएगी जैसे कि हमारे महाभारत में हम लोगों ने देखा है। वहीं अगर सेकेंड पार्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों, एनिमल पार्क कब आएगा, अभी मेकर्स ने इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि संदीप रेड्डी वांगा जल्द ही सेकंड पार्ट को लेकर कोई बहुत बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे और वो एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तो दिसंबर में डंकी मूवी आ रही है, सलार मूवी आ रही है, तो कोई चांस नहीं है कि एनिमल के सेकंड पार्ट को लेकर मेकर्स कोई अपडेट दे या फिर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे। वहीं अगर जनवरी के बारे में बात करें 2024 के बारे में, तो काफ़ी फिल्में वहाँ पर भी रिलीज होने वाली है प्रोजेक्ट के, जो कि प्रभास की है, और भी बहुत सारी मूवी आ रही है। तो सेकंड पार्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्या तृप्ति डिमरी का सीन वहाँ पे रहता है, और ऑडियंस तो ये भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और ऑडियंस के मन में ये सवाल भी चल रहा है क्या सेकेंड पार्ट में बॉबी देओल को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जी हाँ, हम लोग सेकेंड पार्ट में बॉबी देओल को ज़रूर देखेंगे और बॉबी देओल मरा नहीं है, क्योंकि इतना ऐसे कैसे हो सकता है। मेकर्स ने बॉबी देओल को लाया विलन के तौर पे, खड़ा किया हम लोगों के सामने और 20 मिनट का उनका रोल दिया, और जो भी रोल दिया कमाल का था, तारीफ करने के लायक था, और फिर उसको मार दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि सेकंड पार्ट में बॉबी देओल जरूर दिखेंगे, 100% मैं श्योर हूँ। वहीं अगर थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों, थर्ड पार्ट की कहानी एकदम जल्लाद होने वाली है, उसका जो कंटेंट रहेगा वो भी बहुत जबरदस्त रहेगा। स्टार कास्ट को लेकर मेकर्स ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है और तो और कोई अभी कोई ज्यादा अपडेट नहीं दी है, लेकिन हाँ जल्द ही मेकर्स संदीप रेड्डी वांगा हम लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। तो दोस्तों, एनिमल मूवी के सेकंड पार्ट एनिमल पार्क और एनिमल मूवी के थर्ड पार्ट को लेकर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और क्या ये सुनकर आप हैप्पी हैं कि एनिमल का थर्ड पार्ट महाभारत से काफ़ी मैच करता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।